big round of applause for him. बहुत बहुत धन्यवाद किया आज निम्स में पहली बार आने पर डॉक्टर मुखर्जी को. आज के इस अति महत्वपूर्ण और अति गरिमापूर्ण इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मंच को सुशोभित कर रहे हमारे सबके मार्गदर्शक परम सदय ब्रह्मचारी अभिषेक जी महाराज साहब, देश की सीमा के बाहर चाइना से पधारे हुए डॉक्टर मैनुअल कैटेज, डॉक्टर कैथलीन स्वाज, डॉक्टर विंटर, डॉक्टर स्पेरो, डॉक्टर धवन और आज इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक कहूं या सूत्रधार कहूं, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर मैडम तोमर, डॉक्टर चवन जी और इस सभागृह में उपस्थित देश और देश की सीमा के बाहर से आए हुए विद्वान चिकित्सक बंधुओं और मित्रों, पूरे देश के अंदर जयपुर प्रसिद्ध है गुलाबी नगर के रूप में. इस गुलाबी नगर में, इस गुलाबी सर्द के अंदर राज्य के चिकित्सा मंत्री के रूप में 6 महाद्वीपों से 100 से अधिक आए हुए हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं. 4 दिन की आपकी ये कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के क्षेत्र में, हिपोटोलॉजी के क्षेत्र में, ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में नए डायमेंशन पर चर्चा करेगी. हम सब जानते हैं पिछले दशकों में विज्ञान ने प्रगति की और चिकित्सा विज्ञान कई नई सोपान चढ़ा है. कहते हैं कि बहता हुआ पानी और बढ़ता हुआ अनुभव और ज्ञान, जितना बटे उसमें ताजगी रहती है. आप सब लोग जो सभागृह में उपस्थित हैं, आपके पास अपना अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में. इस सुपर स्पेशलिटी के लिए आपका अनुभव, आपका ज्ञान जब आप साझा करोगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी रणनीति निश्चित तौर पर निकल कर आएगी जिससे हमें इस राजस्थान में ये कह सकेंगे, राजस्थान में हम रणनीति बना सकेंगे, हमारे माथे पर जो हमारी शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए जो हमारे कलंक लगा हुआ है, जिस कारण से हमें बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया है, उसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा. आज भी हमारी शिशु मृत्यु दर देश के पैमाने पर अधिक है, 49 प्रति हजार हमारे शिशु मृत्यु दर है. हमारा एमजीडी लक्ष्य था इसको 28 तक लेके आने का. मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई हमारी रणनीति में कमी रही होगी और आज मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं कि इस प्रजातंत्र में हम लोग जो जनता की आकांक्षाओं के कारण चुनकर इस प्रकार के विभागों को संचालित करते हैं. मैं राज्य का दूसरी बार चिकित्सा मंत्री हूं पर एक विद्यार्थी चिकित्सा मंत्री हूं. मुझे कतई गुमान नहीं कि मैं आप विशेषज्ञों के बीच में जाकर कोई अपनी बात कह पाऊं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉमन सेंस है, आपके पास मेडिकल सेंस है. एक आम व्यक्ति हमारे विद्वान चिकित्सकों से क्या चाहता है? आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शिशु रोग के लिए क्या हमारी चुनौतियां हैं, मेरा अनुभव सिर्फ इतना ही है. और मेरा अनुभव यह भी कहता है कि राजस्थान के अंदर हम एक वर्ष के अंदर 17 लाख नए मेहमानों को देखते हैं, 1 महीने के अंदर 1,40,000 नए मेहमान
हमारे इस धरती पर राजस्थान की धरा पर आते हैं और सुबह से शाम हो जाए 4,651 बच्चे राजस्थान में पैदा होते हैं। और इन बच्चों के अंदर जब हमारा संरक्षण और आंकड़े ये कहते हैं कि प्रतिवर्ष 95,000 से ज़्यादा बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते और आज भी बड़ी संख्या के अंदर प्रतिमाह 7,953 बच्चे आज भी कालकल्पित होते हैं, तो निश्चित तौर पर आज के समय के अंदर हम क्यों नहीं विचार करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अलामाटा डिक्लेरेशन पर हिंदुस्तान ने दस्तखत किए थे, वर्ष 2000 तक सबको स्वास्थ्य, हमने एमजीटी के गोल्स पर अपने हस्ताक्षर किए थे, परंतु हम उन मापदंडों को, उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर सके। और आज जहां कुपोषण की बात होती है, दुनिया के लोग ये कहते हैं कि विश्व में कुपोषित बच्चों में 40% बच्चे हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, राजस्थान के अंदर भी 66,000 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषित हैं। अभी हमने 13 जिलों के अंदर सीएमएम कार्यक्रम प्रारंभ किया है, यूनिसेफ और गेन के साथ और एसीएस के साथ मिलकर हमने 2,00,000 से ज़्यादा बच्चों का संरक्षण करके उन्हें अति कुपोषित बच्चों को पोषण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जब राज्य के चिकित्सा मंत्री के रूप में इन बाल मृत्यु दर की समीक्षा करता हूँ तो नवजात शिशु का हाइपोथर्मिया के कारण आज मौत, इस युग में मौत, निश्चित तौर पर सोच को लेने के लिए मजबूर करता है कि जब रेडिएंट फार्मर से लेकर एफबीएनसी तक सब तरह के प्रबंधन के पश्चात भी हम इन चीज़ को क्यों नहीं दूर कर पाते। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की आपस की चर्चाएं और आपस का कन्वर्सेशन एक रणनीति को बनाकर हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। आज इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और डॉक्टर तोमर, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, 2004 से लेकर आज 2016 तक का आपका सफर जब मैं देखता हूँ, इस नेम्स यूनिवर्सिटी का मैं बधाई दिए बिना नहीं रह सकता कि आज 300 से ज़्यादा कोर्सेज आप यहाँ कर रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप शिक्षा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, आपके इन नामी गिरामी चिकित्सालयों के अंदर गरीब आ नहीं पाता था, आपके इस नेम्स की बिल्डिंग के सामने से निकलते हुए उसके मन में एक बात रहती थी कि मैं भी मेरे परिजनों की बीमारी के उपचार के लिए आपके इस चिकित्सालय में आऊं, पर जब उसके मन में ये बात उठती थी तो साथ ही वो अपने जेब को देखता था, अपनी वित्तीय हालत को देखता था। उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के जिन 67% लोगों को अधिकार दिया कि नेम्स जैसे चिकित्सालय में वो मुफ्त में इलाज कराएं, मैं डॉक्टर मधोक को बधाई देना चाहूँगा। मुझे देखकर अच्छा लगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में हृदय रोग जैसे जटिल रोगियों को आप कैशलेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुफ्त में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नर के अंदर नारायण को देखते हुए जो सेवा का भाव करते हैं उसे ईश्वर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। समय का काल चक्र डॉक्टर तोमर कभी थमा नहीं। आपको वो समय भी याद होगा जब आप स्वाई मानसिक चिकित्सालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, पहली बार जब ये चर्चा चली कि सुपर स्पेशलिटी अलग हो, उसमें कितना विरोध की, कई प्रकार की चर्चाएं चली। और आज सुपर स्पेशलिटी के साथ साथ जब मैं उद्घाटन कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो हिपेटो और पैंक्रेटो इंस्टीट्यूट का आज आपके यहाँ, तो लग रहा था कि विज्ञान कहाँ से कहाँ निकल गया। और ये समय का कालचक्र हमें ये भी संकेत करता है कि लोगों की दिलो दिमाग पर यादें उन्हीं की ताज़ा रहती हैं जो अपने और अपने परिवार से आगे बढ़कर इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं सामाजिक सरोकारिता के लिए डॉक्टर तोमर आपको, आपके पूरे इंस्टीट्यूट को बधाई देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी 4 दिन की कार्यशाला जिसके अंदर 50 से ज़्यादा अलग अलग विषय पर आपका डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन इस देश के अंदर पीडियाट्रिक्स मेडिकल के अंदर एक नया नींव का पत्थर साबित होगा, एक नई धारा मिलेगी, नए अनुभव को साझा करोगे। आप सबका स्वागत सत्कार करते हुए
अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।